सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं विजय कुमार बंधु, NMOPS का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज आप सबसे कुछ दो तीन बिंदुओं पर बात करना है, क्योंकि आज जो दिन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए कि आज भगत सिंह का जन्मदिन है और भगत सिंह इस देश के आइकॉन हैं, हिंदुस्तान के नौजवानों के रोल मॉडल हैं। जब आज़ादी की लड़ाई हुई उसमें उनका जो बहुत कम एज में जो उन्होंने करके दिखाया, निश्चित रूप से वो काबिले तारीफ है। तो मैं सबसे पहले शहीद भगत सिंह जी को मैं नमन करता हूँ, उनको याद करता हूँ आज उनके इस जन्मदिन पर। आज अगर देखें तो 28 सितंबर 1907 में उनका जन्म पंजाब में हुआ और आज लगभग 113 साल हो गए हैं। लेकिन मैं जो महसूस करता हूँ कि भगत सिंह जब उस आज़ादी की लड़ाई में जितने लोगों के रोल मॉडल रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा आज इस हिंदुस्तान के नौजवानों को रोल मॉडल है। शायद उन्होंने जितना कम समय में बड़ा महान काम किया, आने वाली सदियां, आने वाली पीढ़ियां उनको इसी तरह से अपना रोल मॉडल मानेगी। और उनके जो विचार थे, मैं उनके विचारों पर आता हूँ, क्रांतिकारी विचार पर आता हूँ। मुझे याद है जब 6वीं 7वीं क्लास में हमने पहली बार भगत सिंह को पढ़ा जाना, तो उसमें कहानी वो छोटी सी दी थी कि खेत में अपने पूर्वजों के साथ, माता पिता दादा के साथ खेत में वो बंदूकें बोया करते थे। तो उनके दादा ने उनको समझाया, ज़मीन में पेड़ लगते हैं, बंदूकें नहीं लगती हैं। ये उनकी कल्पना देखिए, उनकी मानसिक ताकत देखिए। जब इतने बचपन में इस तरह के विचार उनके आए तो आप समझिए कि, और मैं तो बड़ी मैं शायद उनको जितना आप पढ़ेंगे शायद बहुत कम होगा, क्योंकि 23 साल के नौजवान ने उस ब्रिटिश हुकूमत को हिला के रख दिया। 23 साल की उम्र क्या होती है आज के दौर में अगर देखा जाए तो 23 साल में तो आदमी कहता अभी बीए कर रहा हूँ। उस 23 साल में जिसका पूरी दुनिया में सूर्य अस्त नहीं होता था, जिस ब्रिटिश शासन की बात, साम्राज्य की बात करते हैं, उस ब्रिटिश साम्राज्य को 23 साल के उस नौजवान ने झकझोर दिया, उसकी चूल्हे हिला दी, साम्राज्यवाद की नींव हिलने लगी। मैं सलूट करता हूं ऐसे क्रांतिकारी भगत सिंह जी को। और मैं अगर आप उनके विचारों को आप पढ़ते जाएंगे तो निश्चित रूप से तमाम सारी जो उस समय की परिस्थितियां थी और आज तमाम सारी परिस्थितियां या दौर में आई हैं, आज भी उनके बात, उनकी कही हुई शब्द, उनके विचार उतने ही प्रासंगिक हैं जितना उस समय थे या कहीं उनसे ज्यादा है। जैसे उनके तीन नारे बहुत महत्वपूर्ण थे, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, सर्वहारा मजदूर वर्ग जिंदाबाद। ये उनके तीन प्रमुख नारे थे। और इंकलाब जिंदाबाद तो हम समझते हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का हो गया, साम्राज्यवाद वो साम्राज्यवाद चाहे बाहर का हो चाहे अंदर का हो कभी भी मजदूरों के हित में नहीं हो सकता है। साम्राज्यवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ बहुत बड़ी उनकी सोच थी और उस समय कही हुई बातें आज भी अक्षरशः उनकी लागू हो रही हैं, दिख रही हैं, समझ में आ रही हैं। इसलिए मैं आप सभी से एक बात जरूर मैं कहूंगा कि हर आदमी भगत सिंह को अपना आदर्श तो मानता है, भगत सिंह बनना नहीं चाहता है। ये बात बिल्कुल सही है, भगत सिंह उसका आदर्श है, भगत सिंह वो पसंद है, लेकिन भगत सिंह जैसा बनना है, भगत सिंह बनना है, मुझे लगता है कि अगर मैं कहूं तो उन्होंने अपने भाई कुलतार सिंह को एक पत्र लिखा था और जिसमें उन्होंने नौजवानों के लिए उस समय वो बात लिखी थी जो नौजवानों
के लिए उन्होंने पत्र लिखा था अपने भाई के नाम पर। उसमें उन्होंने लिखा था, ये भगत सिंह के शब्द हैं, मेरे नहीं। जो मैंने पढ़ा, जो अध्ययन किया, उसमें जो मिला मुझे, उस लाइनें देखिएगा, उसको थोड़ा सा मर्म समझिएगा। उन्हें या फिक्र है हरदम साम्राज्यवाद को, बोल रहे हैं अपने नौजवानों से, कह रहे हैं उन्हें या फिक्र है हरदम नई तर्ज ये जफा क्या है, नई तर्ज ये जफा क्या है, हमें शौक है देखें, हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खपा रहे, दहर से क्यों खपा रहे, चरख का क्या गिला करें, चरख का क्या गिला करें, सारा जहां अधु सही, सारा जहां अधु सही, आओ मुकाबला करें, आओ मुकाबला करें। ये उस समय उन्होंने अपने नौजवानों के लिए ये बात कही थी। और अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आज के जो नौजवान पीढ़ी है, जिसके हाथ में बहुत कुछ तय होगा इस देश का, जिनको ये तय करना होगा कि वो पूंजीवाद के साथ खड़े हैं, साम्राज्यवाद के खड़े हैं साथ में, या सर्वहारा वर्ग के साथ खड़े हैं। उस समय भी उन्होंने एक पत्र के माध्यम से ही लिखा था, ये उनकी बातें हैं, मेरी नहीं, जो उन्होंने लिखा था अपने पत्रों के माध्यम से। भगत सिंह ने कहा, किसी ने सच ही कहा है, सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते। किसी ने सच ही कहा है, सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते। ये तो बहुत बुद्धिमान और समझदार होते हैं, सुधार तो होते हैं युवाओं के परिश्रम से, साहस से, बलिदान से, निष्ठा से, जिनको भयभीत होना आता नहीं है, जो विचार कम और अनुभव अधिक करते हैं, परिवर्तन वही। तो आप समझिए कि उस समय की जो बातें आज हैं, आज भी अगर देखा जाए तो हम साम्राज्यवाद से लड़े, हमारे क्रांतिकारी साथियों ने लड़ा, आज उसी का स्वरूप में साम्राज्यवाद का ही छोटा सा स्वरूप निजीकरण, वो चाहे साम्राज्यवाद बाहर का हो चाहे अंदर का हो, दोनों खतरनाक हैं। और भगत सिंह से मैं एक ही बात जो सीखता हूँ कि आपकी उम्र क्या है बहुत मतलब की चीज नहीं है, आपका विजन कितना बड़ा है, आपकी तैयारी कितनी बड़ी है, आपकी सोच कितनी बड़ी है, किस दिशा में आप सोचते हैं। एक अदना सा व्यक्ति इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है, और एक बहुत बड़ा आदमी देश के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये बात भगत सिंह ने सिद्ध किया। उनके जमाने में बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान और बड़े लोग थे, शायद उतना नहीं कर पाए जितना भगत सिंह ने कर दिखाया। तो हम सबके रोल मॉडल, हम सबके आदर्श, प्रणाम करते हुए आज उनके जन्मदिन पर हम अपने जो आगामी जो कार्यक्रम हैं उन दिशाओं की तरफ चलते हैं। जैसे NMOPS ने पूरे देश में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन है, आज भगत सिंह का जन्मदिन और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन, उस डेट पे NMOPS ने फिर से एक बार NPS और निजी कर के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ, निगमीकरण के खिलाफ आंदोलन को बढ़ाने का संकल्प लिया है, और उसका नाम दिया है संकल्प दिवस। हम संकल्प लेंगे NPS और निजीकरण भारत छोड़ो, इसका संकल्प लेना पड़ेगा। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं मित्रों, ध्यान रखना, जिस समय NPS लाई गई थी उस समय लोगों ने अगर बोला होता तो आज हमको ये दर्द ना झेलना पड़ता, ये तकलीफें ना झेलनी पड़ती, ये परेशानियां ना झेलनी पड़ती। और आज निजीकरण आ रहा है, अगर आज हम आप संघर्ष नहीं करेंगे तो यही हालात हमारे आने वाली पीढ़ी की होगी। और उस समय की पीढ़ी हमसे आपसे सवाल करेगी कि जब निजीकरण निगमीकरण जैसी चीजें हो रही थी तो आप क्या कर रहे थे, बैंक का, रेल का, परिवहन का, बीमा क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र हो, जिधर देखिए आप क्या हो रहा है। ये देश लाखों करोड़ों भारतीयों से मिलकर बनता है, और हमारा जो संविधान है उस संविधान ने उस सबको राइट दिया है, और राइट ये दिया कि सार्वजनिक संपत्ति सरकारी उपक्रम इस देश के नागरिकों को होता है, निजी उपक्रम किसी निजी का होता है
देश का नहीं होता है। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है। अभी एक मालगाड़ी पर मैंने कहीं देखा था, उस रेलगाड़ी पर लिखा करता था भारतीय रेल। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था, कहीं जा रहा था, मालगाड़ी पर लिखा था अडानी। ये अडानी मेरा मालिक हो? भारत की उस प्लेमी में पढ़िए आप, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, संविधान ने पहला शब्द ही शुरू किया और आज हम देख रहे हैं रेल पर लिखा अडानी। कल्पना कर लीजिएगा एक बार सोच करके, जब भारतीय रेल लिखा होता है तो हम सब बड़े फख्र के साथ कहते हैं ये हमारी ट्रेन है, हम इसके मालिक हैं। लेकिन जब अडानी का ट्रेन लिखा होगा तो शायद, और यही रेल के बाद किसी भी क्षेत्र में आप जाइए सारों तरफ एक ही बात हो रही है। तो मैं उस महात्मा गांधी जी को भी याद करते हुए उनके जन्मदिन पर पूरे देशवासियों के साथ बिना किसी गुट के, बिना किसी विभाग के, किसी पद की, उन सब चीजों को पीछे छोड़ते हुए आप सब लोगों उस दिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिलों में, ब्लॉकों में, गांव में, चौपाल में, जहां भी 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग इकट्ठा हों, महात्मा गांधी जी की फोटो रखिएगा। और मैं तो कहता हूं अगर थोड़ा सा कदम और अगर आप लोग साथ दें तो उनके पुष्प का, फूल का माल्यार्पण करिएगा, फूल चढ़ाइएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा एक निवेदन और करना चाहता हूं, क्योंकि निजीकरण के खिलाफ मामला है तो सूत को माला पहनाइएगा, सूत, जो सूत होता है कपड़े जिससे बनते हैं, उस सूत को महात्मा गांधी जी को माला पहनाइए। क्योंकि महात्मा गांधी जी का एक विचार था, लघु और कुटीर उद्योगों को बार बार समर्थक करते थे कि छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे कुटीर उद्योग जब होंगे तो हमारा जो देश का नागरिक है वो अपने आप में आत्मनिर्भर बनेगा, ताकतवर बनेगा। तो हम आप सबसे निवेदन करते हैं अगर सूत मिलता है तो महात्मा गांधी के उस चित्र पर सूत की माला पहनाइएगा। और ये एहसास कराना है कि ये जो सूत महात्मा गांधी ने काटा था वो छोटे लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काटा था और न कि पूंजीवाद के लिए काटा था। और अगर नहीं मिलता तो फूल तो आपके लिए ही है, लेकिन अगर सूत को आप थोड़ा सा करेंगे एक प्रतीक जाएगा निजीकरण के खिलाफ। तो सूत कपड़ा जो जिसे बुना जाता आप समझ सकते होंगे। और ये काम करना कैसे है, इस काम को जन आंदोलन बनाना है, जन आंदोलन। देखिए जब तक ये लड़ाई आप ये नहीं समझा पाए कि एनपीएस और निजीकरण है क्या, और ये कर्मचारियों तक का मामला नहीं, कर्मचारियों के घर के लोग समझें, उसके मित्र और यार समझें, उसका पड़ोसी समझे कि किसके खिलाफ आंदोलन करने, किसके लड़ाई लड़ रहे हैं। सिर्फ कर्मचारी तक इसको सीमित नहीं रखिएगा, तो इसको गांव, चौपाल, ब्लॉक, जिला, ऑफिस, जहां भी रहिएगा गांधी जी की मूर्ति रखिएगा, उस पर सूत चढ़ाइएगा, नहीं मिलता तो फूल चढ़ाइएगा, और वहीं पर बैठ करके रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यहाँ आप सरकार भी कह सकते हैं, सरकार को सन्मति दे भगवान, एनपीएस और निजीकरण के मामले पर सरकार को भी सन्मति मिले, ये प्रार्थना हम लोग रामधुन हम लोग उस दिन गाएंगे। और सिर्फ उस धुन के बाद हम लोग वहाँ जो भी लोग बैठेंगे, कोरोना महामारी का दौर है, उसके नियमावली को भी ध्यान रखना है, शासन प्रशासन निर्देशों का भी ध्यान रखना है, इसीलिए संख्या की बात नहीं की जा रही है, बहुत बड़ी संख्या एक जगह नहीं इकट्ठा करना, अधिक जगह पर थोड़े थोड़े लोग रहें, जगह अधिक हो, अधिक जगहों पर कार्यक्रम चले, जहां भी 10 लोग मिल जाए, 20 लोग मिल जाए, 50 लोग मिल जाए, वो लोग बस करें। संख्या एक जगह होने के बजाय जगहों जगहों पर संख्या इकट्ठा हो और महामारी और कोरोना महामारी और शासन प्रशासन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, जब तक ये बात हम लोगों तक नहीं समझा पाए और उसके बाद हम वहां बैठकर चर्चा क्या करेंगे, एनपीएस क्या है, निजीकरण क्या है। और मैं बार बार इस बात को हर प्लेटफॉर्म पर कहता हूं, बहुत सारे हमारे साथी फोन करते हैं मेरे पास, मैसेज डालते हैं कि सर ये तो एनपीएस एनएमओपीएस निजीकरण के एनपीएस के खिलाफ लड़ा था, निजीकरण के खिलाफ करने लगा। मैं आपसे बहुत क्लियर कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, एनपीएस पेंशन का निजीकरण है, नौकरियों का निजीकरण संविदा है, और संस्थाओं का निजीकरण मतलब सब खत्म है। और खास करके मैं बार बार इस बात को कहता हूं, गरीब और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है, एनपीएस भी और निजीकरण भी। एनपीएस से किसको फायदा हो रहा है, कर्मचारी को नहीं हो रहा, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं।
सरकार को भी नहीं हो सकता, नहीं हो रहा है, सरकार खुद चेक कर ले, फिर हो किसको रहा है, एनपीएस से भी फायदा हो कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर में। और अभी तो एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हम सब एनपीएस कर्मचारी हैं, एलआईसी में भी पैसा लगता है, पैसा क्यों लगाया जा रहा है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए, एलआईसी खुद सुरक्षित नहीं है, हमारे पैसे क्या सुरक्षित रखेगी, भयावह स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है। और अभी तो तमाम सारी रिपोर्टें लगातार आ रही है, अभी तो परसों ही रिपोर्ट एक आई है जिसमें कह दिया गया ये पैसा सुरक्षित है, ये पैसा कोई जिम्मेदारी नहीं है, एनपीएस के अंदर का जो पैसा जमा, ये सरकारी रिपोर्ट आ रही है, सरकार की एजेंसियां लिख रही हैं, कह रही हैं, परसों की भी रिपोर्ट, फिर आप कैसे उम्मीद करें। तो वहां पर बैठ करके एनपीएस के दुष्परिणाम, निजीकरण के दुष्परिणाम कहना, बताना, समझाना, समझना। और मैं तो कहता हूं एक बात कठोर जरूर है, लेकिन आज जो मैं महसूस कर रहा हूं उसको कह रहा हूं, हो सकता आज मेरी बात ना समझ में आए, आने वाले वक्त में समझ में आए। निजीकरण गुलामी का तामपत्र है, निजीकरण गुलामी का तामपत्र है, अभी समझ में आता है तो, नहीं तो बाद में तो समझेंगे। जैसे शुरुआती दौर में जब इस आंदोलन को मैं लेकर चला, एनपीएस समझाया, लोगों ने कहा नहीं आप गलत हो, 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, 3 करोड़ रुपए मिलेंगे, आज 2 करोड़ रुपए छोड़ दिए, 3 करोड़ रुपए छोड़ दिए, आज 500, 700, 800, 1100, 1700, 1700 रुपए एनपीएस में पेंशन मिल रही है। कल ये बात जब मैं समझाया करता था तो लोग नहीं मानते थे, आज हकीकत सामने है, यही सेम स्थिति, इससे भी खतरनाक स्थिति निजीकरण की है। निजीकरण के कई रूप हैं, आप समझिए इस बात को और समझाइए लोगों। तो 2 अक्टूबर इसीलिए चुना गया और संकल्प दिवस रखा गया, क्या संकल्प, एनपीएस और निजीकरण खिलाफ हम संकल्प लेते हैं कि इसको जब तक खत्म नहीं करा देंगे तब तक हम सब लड़ाई लड़ेंगे, और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए आप सब 2 अक्टूबर को जरूर से जरूर, 5 आदमी मिल गए कोई बात नहीं, गांधी जी की मूर्ति रखिएगा, वहीं से सारी प्रक्रिया पूरी करिए, फूल चढ़ाइए, सूच चढ़ाइए, एनपीएस और निजीकरण के दुष्परिणाम बताइए, रामधुन गाइए कि सम्मति दे सरकार को, सम्मति दे सरकार, इस कदम आगे ना बढ़े। आपसे एक बात मुझे और कहना है, तमाम सारे इस बीच में तमाम सारे आंदोलन को लेकर के इधर उधर तमाम सारे कागज पर, तमाम सारे संगठन, तमाम सारे पद बांटे चले जाते हैं लोग, मैं एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, इनम ओपीएस ने लड़ाई को लड़ा है और इसको अंजाम तक लेके जाएगा, भ्रम में नहीं रहना, भ्रमित नहीं रहना है। और जब आंदोलन चला होता है, बड़ा होता है, तो तमाम सारे ऐसे लोग आते जाते रहते हैं, मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, आपका मुद्दा क्या है, पेंशन, आपका मुद्दा क्या है, किसके साथ आप आए, एनएम ओपीएस संगठन के साथ आए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और तमाम सारी चीज़ें आपके बीच में आएंगी, लेकिन ध्यान रखना है, ये जो एनपीएस के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ 2 अक्टूबर का कार्यक्रम है, ये संगठन का आह्वान है, करना उन सबको है जिनका दर्द है। अगर आपको एनपीएस से चोट लगती है तो 2 अक्टूबर को संकल्प लीजिएगा, अगर निजीकरण से आपको चोट लगती है तो संकल्प लीजिएगा 2 अक्टूबर को, अगर आपको लगता है इससे हमारा और हमारी पीढ़ी का भविष्य खराब हुआ है तो संकल्प लीजिएगा 2 अक्टूबर को। और आपको मैं बताऊं, जब गांधी जी को अंग्रेजों ने ट्रेन से नीचे फेंका था, धक्के मार के फेंका था, वही संकल्प उसी प्लेटफार्म पर लेटे लेटे गिरे गिरे गांधी जी ने संकल्प लिया था, आज तुमने मुझे ट्रेन से धक्के देके बाहर किया है, एक दिन हम तुम्हें अपने देश से बाहर करेंगे, ये संकल्प होता है। इस संकल्प को समझिए, इसके संकल्प शक्ति को समझिए। आज जो आंदोलन चल रहा है पूरे देश के अंदर पेंशन का, ये किसी कुछ लोगों का विचार था, कुछ लोग इस बात को लेके आगे बढ़े और तमाम सारे साथी देश के कोने कोने से, कोई पंजाब से, कोई आंध्रा से, कोई हरियाणा से, कोई दिल्ली से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार से, कोई
कर्नाटका से, कोई उड़ीसा से, कोई तमिलनाडु से, कोई काश्मीर से, कोई उत्तराखंड से, कोई झारखंड, कोई छत्तीसगढ़ से, तमाम सारे स्टेटों में लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। किसी का विचार होगा, किसी का संकल्प होगा, वो संकल्प आज एक बड़े स्वरूप में आया। मैं नहीं कहता कि ये मेरा संकल्प हो सकता है, मेरा विचार हो सकता है, हाँ, लेकिन जिन सारे साथियों ने इस संकल्प के साथ अपना तार जोड़ा, अपना विचार जोड़ा, और उनके विचार से, उनकी ताकत से, उन सारे साथियों के, NMOPS के साथियों से, और जो तमाम हमारे सहयोगी संगठन हैं, उन सहयोगी संगठन को मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि 2 अक्टूबर को आप संकल्प दिवस जरूर मनाएं, संगठन के बाहर निकले, गुटों से बाहर निकले, ये घुट 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 ये घुट 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 करके मरवा देंगे गुट वाले, इन गुटों के घुटन से बाहर निकलो। मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है कोई NMOPS संगठन पसंद ना हो, लेकिन मैं जानता हूँ OPS उसको पसंद है। हो सकता है उसको कोई, तमाम सारे हमारे राज्यों के तमाम बड़े बड़े लीडर हैं, उनको पसंद हो या ना पसंद हो, हो सकता है किसी को विजय बंधु पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन OPS पसंद है। और अगर OPS पसंद है तो आपको इस महायज्ञ में शामिल होना पड़ेगा। बहुत सारे साथी अलग अलग तरीके से अपना करने लगते हैं, मैं कहता हूं क्या जरूरत है, जब एक पूरे हिंदुस्तान का, काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर अटक से लेकर कटक तक पूरा हिंदुस्तान में एक बहनत तरह लड़ाई चल रही है, तो उस लड़ाई को बड़ा करिए, उस लड़ाई को खड़ा करिए, उसको इधर उधर करने की कोई जरूरत है, उससे कुछ नहीं होगा। और एक ध्यान रखना, ये लड़ाई देशव्यापी है, पूरे देश की लड़ाई है, इसलिए सबको एक सुर में बोलना पड़ेगा, एक मुद्दा, एक मंच, एक सुर, एक आवाज से सबको संकल्प लेना पड़ेगा। उस संकल्प को लेकर के आप आगे बढ़िए। मैं आपसे ज्यादा बड़ी बातें न कहते हुए, एक और उस दिन कार्यक्रम होगा, आप अपने उस फोटो को लेंगे, अपने साथियों के समूह को लेंगे, महात्मा गांधी जी की फोटो लेंगे, सूत जो आपने चढ़ाया उसको लेंगे, और सूत को निजीकरण से जोड़ते हुए आप उसको आगे बढ़ाएंगे, और अपने फेसबुक या तमाम सारे सोशल मीडिया के जो माध्यम उस पर डालेंगे। 3 बजे से उसी दिन 2 अक्टूबर को 3 बजे से 6 बजे तक ट्विटर अभियान भी, #NPS निजीकरण भारत छोड़ो का चलेगा। आप सब साथी उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ करिए, क्योंकि आज के दौर का ये बड़ा माध्यम है। जो दौर होता है, जो परिस्थितियां होती, उसी हिसाब से चलना पड़ता है। हाँ, 2 अक्टूबर का कार्यक्रम पहली बार इस कोरोना महामारी में जमीन पर होने जा रहा है, जमीन पर, धरातल पर शुरुआत है। आने वाली समय में NMOPS की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष या हमारे महासचिव जी या हमारी टीम के तमाम सारे साथी जो पदाधिकारी हैं, उन सब से चर्चा पर चर्चा करके 2 अक्टूबर के कार्यक्रम के बाद फिर कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा। लड़ाई अंतिम क्षण तक लड़ना है। ध्यान रखना, कुछ साथी हमारे निराश हो जाते हैं कि सर अभी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये लड़ाई बड़ी है, लड़ना पड़ेगा। आज़ादी की लड़ाई जब शुरू हुई तो आपको पता है 1857 में शुरू हुई, 1947 में हो, 90 साल लगे। अंग्रेजों से लड़ने में 90 साल नहीं लगे, उनको भगाने में 90 साल नहीं लगे, हिंदुस्तानियों को जगाने में लग गए। तो जब तक NPS के कर्मचारियों को आप जगा नहीं पाएंगे, और कसम खाइए कि प्रतिदिन 2 आदमी को कम से कम आप जगाइए, 2 आदमी को कम से कम फोन करिए, इस आंदोलन से जोड़िए। NMOPS का जो YouTube है, जो आपका Facebook है, इस पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, सक्रियता लाइए। मुझे इस बात को कहते हुए दुख हो रहा है कि जब आप NMOPS के इतने बड़े, जो जहां पर 2 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, वहां पर जब कोई पोस्टें डाली जाती है, कोई भी साथी लिखे, कोई भी अच्छा विचार हो, किसी का हो सकता है, ये जोड़ने की अध्यक्ष का विचार ही सबसे बेहतर होगा। बहुत सारे हम बुद्धिजीवी लोगों का ये समूह है, बुद्धिजीवी यहाँ सारे लोग, हर आदमी के विचार आते, जो भी अच्छी चीजें हो उसको आप लोगों तक पहुंचाइए, घुमाइए, और लोगों को एप्रिशिएट करिए, उनको थोड़ा सा महसूस हो कि हाँ हमने अच्छा लिखा, अच्छा किया है। थोड़ा सा अगर थोड़ा थोड़ा कदम, 2-4 लाइन लिखिए, लिखा करिए, हर दिन लिखा करिए, पॉजिटिव चीजें लिखा करिए, आंदोलन के बारे में, संगठन के बारे में कुछ लिखा करिए, जरूरी है। जो अच्छी चीजें हैं उसको लोगों तक पहुंचाया करिए। मैंने कहा कि क्यों जन आंदोलन बनाना, ये सब चीजें ऐसी हैं जो जन आंदोलन तरफ ले जाएंगी। और लास्ट बात, अभी एक विचार मन में आया,
की नई पेंशन व्यवस्था बन गई, पेंशन की नई नीति आ गई, शिक्षा की नई नीति आ गई, कृषि की नई नीति आ गई। मैं सरकार से उम्मीद करता हूं राजनीति की नई नीति कब आएगी, वो भी जरूरी है। राजनीति की नई नीति कब आएगी जिसमें जनसेवा को जनसेवा माना जाएगा, वेतन भत्तों की बात नहीं की जाएगी, जिसमें इस देश के राजनेताओं को भी टैक्स देने की जिम्मेदारी दी जाएगी, उनकी भी सुविधाओं को उन्हीं पर छोड़ दिया जाएगा। राजनीति की नई नीति कब आएगी इसका भी इंतजार है। तो आप सबसे ज्यादा बातें न करते हुए बस इस उम्मीद के साथ कि जो संकल्प दिवस है हमारा, हम सबका, हम सभी लोग मिल करके उसको बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे। और अंत में हम उसी हिंदुस्तान के रोल मॉडल, उसी हजारों लाखों करोड़ों नौजवानों के चहेते जिनका जन्मदिन है, उन्हीं की जो लाइनें हैं, अपनी बीच में थोड़ा सा व्यवधान आ गया, उसी उन्हीं के जन्मदिन पर उन्हीं के लाइनों से अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। और इस उम्मीद के साथ कि संकल्प दिवस पूरे हिंदुस्तान के गली गली में, शहर शहर में, डगर डगर में, गांव गांव, चौपाल चौपाल में ये कार्यक्रम आप सब कराएंगे, और हमारे सारे जो पदाधिकारीगण हैं, चाहे राष्ट्रीय टीम के हों, चाहे प्रदेश की टीम के हों, चाहे जिले के हों, चाहे ब्लॉक के हों, संभाग के हों, मंडल के हों, जो भी हैं, जो पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार साथी हैं, एनपीएस कर्मचारी हैं या ओपीएस के भी हमारे साथी हैं, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सबसे मेरा उनसे निवेदन है कि इस आंदोलन में सब लोग साथ दीजिए। और भगत सिंह के जन्मदिन में उनको नमन करते हुए उन्हीं की बातों से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। मैं टाइम टाइम पे आपसे मिलता रहूंगा, मिलता भी रहता हूं, और अच्छा लगता है कि आप सब तमाम सारी शुभकामनाएँ देते हैं, संगठन को देते हैं, तमाम सारे आंदोलन में भागीदारी निभाते हैं। तो मैं भगत सिंह ने लिखा था, लिख रहा हूं अंजाम जिसका, लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। ये भगत सिंह की वो उस समय की बातें हैं, और आज भी कहीं न कहीं वो बातें अच्छा सा सही है। और इस उम्मीद के साथ 2 अक्टूबर संकल्प दिवस को आप सब आज ही से लगेंगे, ताकत से लगेंगे, और एक एक साथी तक ये बात पहुंचाएं, बेहतर तरीके से करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मजदूरों का हित जिंदाबाद। और हम सब मजदूर हैं। आज महात्मा भगत सिंह को प्रणाम करते हुए संकल्प लें, और इस इंकलाब की जो नारा है उसको हम घर घर तक पहुंचाएं और सब तक पहुंचाएं। संकल्प दिवस 2 अक्टूबर हम सब मिलकर मनाएंगे। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद, आपने मेरे विचार को सुना, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा, फिर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।